21 मई की ये तस्वीरें हिंदुस्तान शायद ही कभी भूल पाए। नरेंद्र मोदी की कमान में बीजेपी ने वो कर दिखाया जिसका अनुमान बड़े बड़े नहीं लगा पाए। मोदी के सामने पूरा विपक्ष था। मोदी ने मानो इस चुनौती को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और जीत के आंकड़े के साथ कहलाए मोदी 303। इस बार हमने वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया जी। और भारत की आजादी के बाद पार्लियामेंट में इतनी बड़ी तादाद में महिला एमपी बैठने की पहली घटना होगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम हमारी मातृशक्ति के द्वारा हुआ है। 17वें लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत आजाद हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड जीत है, लेकिन देखा जाए तो इस लोकसभा ने भी एक रिकॉर्ड बनते हुए देखा है। पहली बार देश के इतिहास में 78 महिला सांसद जो हैं चुनकर लोकसभा में पहुंच रही हैं, यानी 2019 में लोकसभा में 14% महिला सांसद होंगी जो देश की लेडी लीडर कहलाएंगी। 17वीं लोकसभा भारतीय लोकतंत्र में नारी शक्ति का प्रतीक होगी। चुनाव के दौरान देश भर में 724 महिलाएं चुनावी मैदान में उतरी थीं, जिनमें से 78 ने विजय पताका लहराई। सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारी थी। कांग्रेस के टिकट पर 54 महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ी तो बीजेपी ने 53 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था। पूरे चुनाव के दौरान चुनावी मैदान में महिलाओं की मौजूदगी पर देश भर की निगाहें टिकी रही। राजनीति में नारी शक्ति को पहचानने और देश को सामने लाने की कोशिश न्यूज नेशन ने भी की अपने शो लेडी लीडर के जरिए, जिसके बाद हम देश के अलग अलग हिस्सों में गए जहां से महिला उम्मीदवार जो है राजनीति के मैदान में पुरुष उम्मीदवारों को टक्कर देती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में हमने उनके सफर को करीब से जानने और समझने की कोशिश की और ये देखा किस तरह से शक्ति और भक्ति का संगम कही जाने वाली नारी शक्ति जब राजनीति के अखाड़े में उतरती है तो किस तरह से मंझी हुई राजनेत्री बन जाती है। नारी के अंदर मातृत्व का स्नेह भी है, परिवार समाज की जिम्मेदारी भी, नारी जननी भी है और नारी पालक भी, और अब यही नारी शक्ति भारतीय लोकतंत्र की शक्ति स्तंभ भी होगी। टीम न्यूज नेशन। लोकसभा के इन लेडी लीडर्स में जो नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। कांग्रेस और गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में स्मृति ने राहुल गांधी को पटखनी दे दी। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 56,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी है। लेडी लीडर के शो में हमने सफर तय किया अमेठी का, जहां पर राहुल गांधी के सामने टक्कर दे रही थी स्मृति ईरानी। 2014 के चुनावों में वो राहुल से शिकस्त खा चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके स्मृति ने अमेठी के लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ा। उनके दुख दर्द को समझा, बार बार अमेठी आती रही और कड़ी मेहनत करती रही, जी जान से जुटी रही, जानते हुए इसके कि गांधी परिवार की पैतृक सीट है, यहाँ पर राहुल गांधी को टक्कर देना आसान नहीं होगा। लेकिन अंततः 2019 के जब नतीजे आए तो मेहनत रंग लाई और जीत स्मृति की हुई। स्मृति ईरानी ने अमेठी को मानो अपना घर ही मान लिया। वो लोगों से घर घर जाकर मिलती, जब किसी की आंखें छलकती तो स्मृति के दिल का दर्द भी छलकता। वो दिलासा भी देती और आने वाले वक्त में उम्मीदों की रोशनी भी दिखाती। न्यूज नेशन के कैमरे पर खुद स्मृति ने कहा था कि अमेठी उनके घर जैसा है और अमेठी का हर बाशिंदा उनके परिवार के सदस्य जैसा। चुनावी चुनौतियों से भरे इन अल्फाजों में एक नारी के हृदय की संवेदनाएं भी शामिल होती थी। मुझे लगता है जब आप राजनीति के साथ साथ पब्लिक लाइफ में होते हैं तो आपको तैयार रहना चाहिए कि आप पर लांछन लगाए जाएंगे, आपका उपहास होगा, आपका अपमान होगा, क्योंकि अगर आप इतने सेंसिटिव हैं तो आपको पब्लिक फिगर होना ही नहीं चाहिए। और आज एक मल्टीमीडिया के ज़माने में पहले प्रहार अखबार से होता था, आज अखबार, चैनल, रेडियो हर चीज़ है, फिर इंटरनेट भी जुड़ गई है। तो आपको तय करना है कि आप में कितनी क्षमता है प्रहार सहने की, और आपको तय करना है कि आप जब लक्ष्य की ओर चल रहे हैं तो वो प्रहार आपको आपके रास्ते से हटाते हैं या आपके रास्ते पर आपको अडिग रखते हैं। अमेठी भी स्मृति के स्नेह को नहीं भूली। केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद स्मृति अपने चुनावी क्षेत्र के साथ हमेशा जुड़ी जो रही थी। स्मृति ने अप्रत्याशित नतीजे दिए तो जीत के बाद फिर एक बार स्मृति ने अमेठी को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया।
मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर और भाजपा के संगठन पर राहुल गांधी जी ने इतना विश्वास व्यक्त किया कि वो आश्वस्त हैं कि हम अमेठी की देखभाल करेंगे। यही विश्वास अमेठी ने भी आज अपने वोट के माध्यम से दिया। मैं अमेठी की जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। 5 साल हारने के बाद रही, अब जीतने के बाद 5 साल उनकी सेवा करूँगी, ऐसा आश्वासन भी दिया और वो जानते हैं कि एक बार जबान दी तो जबान रखूँगी। अमेठी की विजेता बीजेपी की मणिकर्णिका, गांधी परिवार के गढ़ को जीतने वाली दुर्गा, सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी को ऐसे ही तमगों से नवाजा जा रहा है, और वो भी क्यों ना, अमेठी के कण कण तक स्मृति जो पहुंची थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक तस्वीर अमेठी से आई जो खूब सुर्खियों का सबब बनी। यह तस्वीर थी स्मृति ईरानी खेत में लगी हुई आग को बुझा रही थी। दरअसल गर्मी की वजह से एक खेत में आग लग गई अमेठी में, और उसे कुछ ही दूरी पर स्मृति ईरानी की चुनावी सभा हो रही थी। चुनावी सभा को छोड़कर स्मृति तुरंत खेत की तरफ दौड़ पड़ी, वहां पर जो मजदूर थे, किसान थे, उनकी मदद करने के लिए, और लग गई आग बुझाने के काम में। तब लोगों ने देखा कि कैसे स्मृति एक जमीनी नेता है और उनकी हर दुख सुख में साथ खड़ी है। कोई नेता अगर जनता के लिए खतरा तक मोल ले तो फिर वो नेता नहीं रह जाता, वो जन जन के दिल में घर कर जाता है, मानो जनता का अपना हो जाता है। और यही प्यार, यही सम्मान स्मृति को विजय शिखर तक ले गया। स्मृति ईरानी जन जन के प्यार से चुनी गई लोकसभा की लेडी लीडर बन गई। टीम न्यूज नेशन। सत्रवें लोकसभा में संसद के भीतर और बाहर स्मृति ईरानी का लहदा भी एक और नाम चर्चा में रहेगा, वो होगा साध्वी प्रज्ञा का। जिस तरह से अपनी पहली ही राजनीतिक पारी में उनके सामने दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज खड़े थे, उन्होंने उनको न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि भारी अंतरों से उन्होंने जीत हासिल की है। लेकिन साध्वी सिर्फ अपनी इस बड़ी जीत की वजह से ही याद नहीं रखी जाएंगी, बल्कि अपने विवादित बयान और विवादों के चलते भी उनका नाम सुर्खियां बटोरता रहेगा। साध्वी प्रज्ञा को जब बीजेपी ने भोपाल से प्रत्याशी घोषित किया था तभी से विवाद शुरू हो गए थे। आतंकवाद की आरोपी रह चुकी शख्सियत को चुनाव में उतारा गया तो सवाल उठने लाजमी थे। लेकिन सवालों से अलग साध्वी अपने चुनावी सफर पर अग्रसर हो चली, वो सफर जिसके दौरान शहीद हेमंत करकरे तक पर विवादित बयान दे डाला। न्यूज नेशन के शो राम रक्षा राष्ट्रवाद में जब साध्वी से हमारा आमना सामना हुआ तो साध्वी बेबाकी से अपनी बातें रखती नजर आई। राम के नाम पे राजनीति वही लोग करते हैं जो राम के गुणों को नहीं जानते, यानी अज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं, विधर्मी जो लोग होते हैं, उनको सौभाग्य ही नहीं है, उनका दुर्भाग्य है कि ना तो वो राम को समझने की क्षमता रखते, ना बुद्धि रखते, ना उनके संस्कार है, ना उनका पिंड है और ना प्रारब्ध है जी। होता है ना, जैसे रावण था, राम को बहुत ज्ञानी था, राम को जानते हुए भी राम उसके समक्ष है लेकिन वो राम का दुश्मन। साध्वी प्रज्ञा हर मौके पर बेबाकी से अपनी कहानी कहती रही, सवाल उठे तो उठे, लेकिन शायद साध्वी को इसकी परवाह नहीं थी। भगवाधारी साध्वी लगातार आगे बढ़ती रही, बयानों के चलते चुनाव आयोग ने प्रचार पर बैन भी लगाया तो साध्वी भगवान की शरण में जा पहुंची। कहीं ढोल मंजीरों के साथ कीर्तन किया तो कहीं मंदिरों में सेवा की। साध्वी प्रज्ञा की छवि कहिए या उनका अंदाज ही कहिए कि भगवाधारी करने वाली साध्वी मुस्लिम बहुल इलाकों में भी प्रचार करने पहुंची। मौका पड़ा तो बाइक पर सवार होकर भोपाल की सड़कों पर भी घूमी। बैन के दौरान भी हम साध्वी प्रज्ञा के साथ मौजूद रहे, और जिस तरह से उन्होंने कभी मंदिर के प्रांगण में झाड़ू लगाई तो कभी गायों को चारा खिलाया, साध्वी की हर कोशिश यही जता रही थी कि वो अपनी पहचान जो है पग पग पर साबित करती रहेंगी। सवालों के बावजूद भी साध्वी ने अपनी पहचान को बनाए रखा और वो लोगों को जवाब देते रहीं कि वो झुकेंगे नहीं। चुनाव प्रचार के दौरान साध्वी के नारी हृदय की एक तस्वीर भी नजर आई जब साध्वी उमा भारती से मिलने पहुंची थी। लगा मानो दो बहनें सालों बाद मिल रही हूं। दोनों एक दूसरे के गले लगी और कुछ पलों तक आंखों से पानी बहता रहा। साध्वी का ये प्रचार, उनके ये जज्बात मानो जनता के दिल में घर कर गए और जनता ने उन्हें
जीत से नवाजा। भोपाल सीट से साध्वी ने बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को 3.5 लाख से ज्यादा मतों से करारी शिकस्त दी। जीत के फौरन बाद साध्वी लोगों से मुखातिब हुई और बता दिया कि राष्ट्रवाद की लहर उनके अंदर हिलोरे मारती रहेंगी। टीम न्यूज नेशन। 17वीं लोकसभा में ये लेडी लीडर देश की नारी शक्ति की प्रतीक बनकर बड़े फैसलों का हिस्सा बनेंगी। घर घर से संसद तक नारी की शक्ति और उसका समर्पण अब दुनिया देखेगी। लोकसभा में इन लेडी लीडर में एक ऐसा ही नाम है, हेमा मालिनी। मथुरा की सीट से चुनावी मैदान में उतरी हेमा मालिनी ने राष्ट्रीय लोकदल के कुंवर नरेंद्र सिंह को तकरीबन 3 लाख वोटों से हराया। हेमा मालिनी की ही तरह बीजेपी के एक और फिल्मी चेहरे ने अपना विकेट या यूं कहें कि सीट बचाई। ये है चंडीगढ़ से बीजेपी की विजेता किरण खेर। 2014 की मोदी लहर में किरण खेर ने चंडीगढ़ में विजय पताका लहराई थी। 2019 में भी किरण खेर ने जीत अपने नाम की। उन्होंने तकरीबन 50,000 वोटों के मार्जिन से अपनी सीट बचाई। बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी पूनम महाजन की चुनौती आसान नहीं थी। पूनम को टक्कर दे रही थी प्रिया दत्त। वही प्रिया दत्त जिनके नाम के साथ उनके पिता सुनील दत्त की विरासत और भाई संजय दत्त का स्टारडम भी जुड़ा था। प्रिया दत्त भी एक मंझी हुई सियासतदान है, लेकिन पूनम महाजन इस चुनौती से दबी नहीं, डटकर सामना किया। दरअसल पूनम महाजन ने हर मौके पर जनता को तरजीह दी और उनकी जरूरतों को समझा। कड़ी टक्कर होने के बावजूद पूनम महाजन प्रिया दत्त को शिकस्त देने में कामयाब रही। मुंबई उत्तर मध्य सीट से पूनम महाजन ने तकरीबन 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। पंजाब से भी लोकसभा को एक लेडी लीडर मिली, नाम है हरसिमरत कौर बादल। पंजाब की राजनीति के रसूखदार कद्दावर परिवार से ताल्लुक रखती हैं हरसिमरत कौर, लेकिन इस बार भटिंडा से उनके लिए मुकाबला आसान नहीं था। शुरुआती रुझानों में हरसिमरत जो है पिछड़ती हुई भी नजर आ रही थी, लेकिन अंत में फतेह ने हरसिमरत के कदम चूमे। ये खुशी बताने के लिए काफी है कि भटिंडा से हरसिमरत को मिली ये जीत उनके लिए कितनी अहम है। कांग्रेस के अरमिंदर सिंह रज्जा ने कड़ी चुनौती पेश की थी, लेकिन हरसिमरत तकरीबन 21,000 वोट से जीती और नतीजों के फौरन बाद जनता को शुक्रिया भी अदा किया। ये वो लेडी लीडर हैं जो अगले 5 साल देश की दशा और दिशा तय करेंगी। ये लोकतंत्र में नारी शक्ति के दम का प्रतीक है। टीम न्यूज नेशन। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक राज्य पर सबकी नजर बनी रही। ये राज्य था पश्चिम बंगाल। वजह थी दीदी की सत्ता और बीजेपी की दमदार चुनौती। बंगाल की धरती पर दीदी को चुनौती देना बड़ी बात थी। चुनाव ने सब कुछ देखा। हिंसा हुई, खून बहा, चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगे।